हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम 68वीं बीपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व के भूगोल से रिलेटेड, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपका निहारिका भाग नहीं होता है, क्षुद्र ग्रह भाग होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं और ग्रह भी भाग होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। किससे? तो एक दूसरे से और सूर्य के साथ। इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूलकण आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। हमारा अगला सवाल है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? सही उत्तर है आपका 88। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन है, जिनमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अगला सवाल है कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो आपका सही आंसर है सप्तऋषि, यानी कि ध्रुव तारा जिसको हम पोलर स्टार भी कहते हैं या पोलरिस कहते हैं, का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सबसे पहले ये बात किन्होंने कही थी? सबसे पहले कॉपरनिकस ने सन 1514 ईस्वी में अपनी एक किताब लिटिल कमेंट्री में कहा था। उन्होंने सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये बात कही थी। छठी शताब्दी ईसा के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 साल पहले ही ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। आपको पता होगा कि बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। मंगल के दो होते हैं, फोबोस और डिमोस। नेपच्यून के 14 उपग्रह है, ट्राइटन एवं मेरिड जिसमें से प्रमुख है। याद रखेंगे ट्राइटन और मेरिड किसके उपग्रह है, तो नेपच्यून के हैं। ट्राइटन और आपके मेरिड ये हो जाएंगे नेपच्यून के। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सही उत्तर है आपका 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र यानी कि गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों और को केंद्र से दूर तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड या कॉस्मिक ईयर कहलाता है या ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके मध्य का तापमान कितना होता है? 464 डिग्री सेंटीग्रेड मीन टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। तो सुबह का तारा, सांझ का तारा या फिर इसको कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति जो है आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, जबकि शनि को वलयों युक्त ग्रह कहते हैं। शनि जो होता है वलय से युक्त ग्रह होता है, मतलब आपने देखा होगा कि प्लेनेट के चारों ओर डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फोटो में देखा होगा, उसी को यहाँ पे कह रहा है। तो डिस्क जितने भी एक्सोप्लैनेट हैं, खास करके बृहस्पति के आगे वाले, सब में डिस्क पाए जाते हैं, डिस्क फॉर्मेशन होता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लगता है? तो आपका सही उत्तर है 8 मिनट, 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है, और लगभग 186,000 मील प्रति सेकंड के स्पीड से ये तरंग जो है आपके पृथ्वी पर गति करते हैं, पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आपका 365.25 दिन लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 या 365 दिन, 6 घंटे और 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है, सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वर्नल इक्विनॉक्स जिसके वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयुक्त होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष
कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकंड यानी कि 365.2242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकंड यानी कि 9.51 सेकंड के स्थान पर की गणना की गई थी। ऐसे वर्षों को एनोमोलिस्टिक ईयर कहते हैं। तो एनोमोलिस्टिक ईयर कौन सा था, आप याद रखेंगे 2000 में। पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, पृथ्वी जो है परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है यानी कि एक मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेती है। तो पृथ्वी के विषुवत रेखा की परिधि जानते हैं कि कितना होता है, 40,090 किलोमीटर। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमण गति जो होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति भाग दे दीजिए 60 से तो आ जाता है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में जो पृथ्वी होता है 27.8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है और एक घंटे में 1670 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कौन से किस अक्षांश पर मरुभूमि होने की संभावना होती है, शून्य अंश अक्षांश के पास मतलब इक्वेटर है ये 23 डिग्री 50 डिग्री, ये है आपका ट्रॉपिकल, ये है सब ट्रॉपिकल, ये आपका टेम्परेट है, ये है सब ट्रॉपिकल, ये है टेम्परेट और फिर आपका है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो सही उत्तर है आपका बी, जो सब ट्रॉपिक होते हैं कभी कभी उसको हम टेम्परेट की श्रेणी में भी रखते हैं, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास मरुभूमि देखने के लिए दुनिया में जितनी मरुभूमि है वो आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगी। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो होता है वो 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की चार प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं, कौन कौन होते हैं आइए देख लेते हैं। तो 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं, संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना का कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। बाजा कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका पश्चिमी सहारा यानी उत्तर अफ्रीका का, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का, नामीब डेजर्ट दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का इसी प्रकार के आपके मरुस्थल है। पर्वतों के वृष्ट छाया यानी की जो रेन शैडो एरिया में जगह पड़ते हैं उनकी वजह से भी मरुस्थल बनते हैं। तो उसमें कौन कौन आता है, तो आपका उत्तर अमेरिका का डेथ वैली, ये रेन शैडो रीजन का मरुस्थल है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का, और पेरुवियन मरुस्थल पेरू और चिली के आसपास पड़ता है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर रहते हैं, इसमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि यूएसए का है, और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया ये आते हैं। तो आप इन सबको याद रखेंगे। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। आपके पास सबका दिया हुआ है कि डायमीटर किसका किसका होता है, तो आप ध्यान देख लीजिए। तो ये आपका घटते क्रम में बृहस्पति का सबसे ज्यादा होता है और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह होता है। पृथ्वी आपका अगर हम बड़े में बात किया जाए तो बड़े वाले में से पांचवें नंबर पे आता है और छोटे वाले में से देखा जाए तो चौथे नंबर पर आता है, यानी कि पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है आपका पृथ्वी। पहले आता है जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी। पृथ्वी का जो डायमीटर होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। तो देख लीजिए 687 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है आपका अर्थ का होता है, याद रखेंगे हाईएस्ट डेंसिटी इसका होता है अर्थ का होता है, और उसके बाद आपका मंगल ग्रह का होता है, उसके बाद शुक्र ग्रह का होता है, और सबसे कम आपका शनि ग्रह का होता है डेंसिटी। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 84 साल। तो आपको यूरेनस को यानी कि यूरेनस को ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में
लगभग 84 साल यानी 83.7 वर्षों का समय लग जाता है। ये जो वर्ष है पृथ्वी भर के वर्षों के अगर तुलना किया जाए तो 84 वर्ष लगते हैं, क्योंकि वहां तो एक वर्ष कुछ और हो जाएगा, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है और इसके उपग्रह की संख्या 27 है। जियोडेसी एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है, स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, या पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, या क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो है आपका दोस्तों पृथ्वी के आयाम की माप करता है, डायमेंशन ऑफ अर्थ जियोडेसिक। तो जियोडेसी जो होता है पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मानने और मापने और समझने में काम आता है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास यानी कि डायमेंशन क्या है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का अध्ययन भी करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो प्रधान मध्यान रेखा होता है। तो प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है। शून्य अक्षांश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान मध्यान रेखा के निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है, कौन कौन से, तो आपका 9 देश है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिक यानी कि दक्षिण ध्रुव, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। ये 9 देश हैं जिससे होकर के आपका अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा है ये होकर के गुजरती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर के ऊपर से होकर के जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसे प्रतिबिंब रेखा होती है, मतलब कई आभासी रेखाएं होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में, यानी कि अगर ये अर्थ है ये इंग्लैंड है, विपरीत दिशा में आप चले जाइए जस्ट इसके अपोजिट, वो आपका प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई भी स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है अगर यहाँ पर कोई स्थल होगा तो वो मुड़ जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर आपको एक सवाल देता हूँ, आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कितनी जगह से बेंड है, कितनी जगह से मुड़ी हुई है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताओ। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो सही उत्तर है आपका अफ्रीका। क्षेत्रफल के अनुसार जो है अफ्रीका जो है सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है आप जानते हैं, तो एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि ऑप्शन एशिया नहीं था इसलिए अफ्रीका सही हुआ है। अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया है जिसका जो क्षेत्रफल है वो इतना होता है। अफ्रीका का क्षेत्रफल ये है, उत्तरी अमेरिका का ये है, सबसे कम जो क्षेत्रफल होता है वो ऑस्ट्रेलिया का होता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है वो भी 54 देश है, यूरोप में 51 देश है और एशिया में 50 देश हैं। अफ्रीका याद रखेंगे सबसे ज्यादा किस महादेश में देश है, अफ्रीका में है। और सबसे कम की कहाँ पे है, सबसे कम तो जाहिर सी बात है कि जो अंटार्कटिक होगा वहां पे होगा, लेकिन वहां पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो जहाँ लोग रहते हैं वहां पर सबसे कम देशों की संख्या दक्षिणी अमेरिका में है और वो है सिर्फ 12। उत्तरी अमेरिका में 23 देश है याद रखेंगे। सर्वाधिक उत्तरी या दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला, उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, तो चिली है। तो अक्षांतीय विस्तार के दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाला देश चिली है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप बनाते हो साउथ अमेरिकन, चिली जो होता है ना यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक ऐसे आता है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार देख रहे यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबा अक्षांशीय विस्तार इसी देश का है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है, आप समझ सकते हैं कितने द्वीप हैं इंडोनेशिया में। फिलीपींस में 7,641 है और क्यूबा में 4,000 द्वीप है। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 17,000 के करीब, आपका 17,000 का ये 17,500 द्वीप है। तो ये कौन बताया, तो हाइड्रो ओस्मोग्राफिक विभाग के अनुसार, और ये कहाँ का है, तो इंडोनेशिया का है, कि इंडोनेशिया में द्वीप समूहों की संख्या 17,504 द्वीप है जिसमें 6,000 द्वीपों को नाम दिया गया है, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया गया है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बोर्नियो। और ये भी दोस्तों बोर्नियो का क्षेत्रफल ये होता है आपका, उसके बाद मडागास्कर, उसके बाद सुमात्रा और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का नंबर आता है। सबसे सबसे पहला बोर्नियो एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका आता है मडागास्कर,
तीसरे नंबर पे आता है आपका सुमात्रा और चौथे नंबर पे आएगा मेरठ जो दिया गया है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सही उत्तर है आपका जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। जो प्रश्न के अनुसार जो है, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है, ऐसा देश कौन सा है, तो जापान देश है, जिसका क्षेत्रफल आपके सामने है। इसके बाद फिलीपींस आता है, उसके बाद न्यूजीलैंड आता है और उसके बाद क्यूबा आता है। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है, होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है आपका एक कॉन्टिनेंट होता है, इसीलिए इसमें हम नहीं गिनते हैं। एक देश भी है लेकिन उसको हम यहाँ पर एज ए कॉन्टिनेंट ट्रीट। जापान आपका सही आंसर हो। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो होन्सू है और होन्सू पर ही जापान की राजधानी आपका टोक्यो बसा हुआ है। जापान में चार द्वीप होते हैं, कौन कौन? होकाइदो, होन्सू, शिकोकु और क्यूसू, जिसमें होन्सू सबसे बड़ा है, जिसी पर जापान की राजधानी। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो आपका हो जाएगा ये डेनमार्क का भाग है। तो ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन होता है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक समुद्र तल की ऊंचाई 1 से 3 मीटर ऊंचा है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सही उत्तर है ए, वैगनर के द्वारा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंडोलोरेंसिया और गोंडवानालैंड में क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लाउरेशिया और गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए, जो कि आज के फॉर्म के ये कॉन्टिनेंट का रूप बना है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। जो इग्नियस रॉक है, पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है, ये रगदार होती है, परते नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो अवसादी शैलें जो होती है, इनका निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु क्रिस्टल नहीं होता। आपको अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसकर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति इसकर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि इसकर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, 1, 2 और 4। आपका 3 सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संग्रह कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन जो है वो गुलास मृतिका, जिसको बेल्टर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के जैसा होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और इटली के सिसिली द्वीप पर होता है, और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? 3,350 मीटर है। मौनालोआ किसका उदाहरण है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लेते हैं। सुंडा खाई में भारतीय प्लेटें की वर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिग स्थिति दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। सही उत्तर है आपका सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिंद महासागर में सुनामी था वो 26 दिसंबर 2004 को आया था, और उसका केंद्र हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आया, और इसका रिक्टर स्केल पर पैमाना कितना था? 9.1 से लेकर 9.3 था। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आगे है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो सही उत्तर आपका नवीन
मुड़दार पर्वत में। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा चोमुंगलुंगमा ये 8,848.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय एक प्रकार का नवीन मुड़दार या वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत माउंटेन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4,800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे में स्थित है। इसकी लंबाई 2,500 किलोमीटर है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है कोकोस। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आपका आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहायो, पेनिनसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल होता है। इसमें ग्रेट लेक्स, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। तो क्या हो जाएगा? ग्रेट लेक्स भी हो जाएगा, पिट्सबर्ग हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। ऑप्शन एक से अधिक है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। किलिमंजारो है क्या है? तो किलिमंजारो एक वोल्केनो है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विलहेम स्पीड्स था। यह एक आग्नेयगिरी मतलब आग्नेय चट्टानों से बना हुआ पहाड़ है और एक वोल्केनिक माउंटेन है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया और चीन के बीच पड़ता है गोबी मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोना और हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध होता है। निम्न में से कौन सा एक युद्ध स्थल देश है? फिर से सुन ले, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर है आपका हंगरी। हंगरी है जो आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काले सागर से मिलती है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं है मतलब इजराइल की सीमा किसके किसके साथ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिम सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान फिलिस्तीन से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो इसको हम श्रीलंका को कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुव रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका हुआ है, तो 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग स्थल है, 71% भाग पर जल क्षेत्र है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान क्या है? तो ये उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 6,400 किलोमीटर की लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,2400 किलोमीटर लंबाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? तो ये मध्य कटक यानी महासागरीय कटक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो आपका मिड ओशनिक रीज यानी कि इसके बारे में कह रहा है। ग्लोब के चारों ओर ये 40,000 मील से लेकर के 64,000 मील की लंबाई के में आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फ्लोरिडा की जलधारा जब एंटलिस धारा का से मिलती है तो हेटारस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। एक गर्म जलधारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ग्रैंड कैनियन क्या है?
तो ग्रैंड कैनियन एक गॉर्ज है जो कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत के कोलोराडो नदी पर स्थित है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है, सबसे कहां तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, ये है आपका भारत बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिजी द्वीप कहां अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन बी। तो रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का द्वीपीय है राष्ट्र है। यह वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम और तुवालु के दक्षिण में स्थित है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्वेज नहर मिस्र की सिनाई पेनिनसुला में बनाई गई विश्व सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कैनाल है। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी, वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है, याद रखेंगे। दक्षिणी सिरे पर कौन, स्वेज बंदरगाह, और उत्तरी सिरे पर कौन सा, तो पोर्ट सईद है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफी कम हो गई, क्योंकि इससे बनने से पूर्व यूरोप से एशिया का जो जहाजों का आवागमन होता था वो अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाने के बाद होता था। और स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक भी नहर है, पोतवाहक नहर भी है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं हम। पनामा नहर, पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डबरू मध्य इस थॉमस को काट कर बनाई गई है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तटों पर स्थित सैन फ्रांसिस्को को पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से ये दोनों मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात यानी 9,000 किलोमीटर ही रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, एक्चुअली में बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर फैला हुआ। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत बताती है, क्या बताती है, तो ये बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है, ऑप्शन डी। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो आपका 10-20 किलोमीटर, ऑप्शन ए। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे अतः वह स्थित है, तो इसका आंसर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको पता होगा 2 घंटे आगे है तो पश्चिमी देशांतर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही हो गए, तो आगे हमेशा पूर्वी देशांतर होता है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का आपका समय लगता है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से 30 है यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, यही आपका आंसर सही हो जाए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अनंत यानी विंटर सोल्स्टिस अर्थात 21 और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म यानी कि समर सोल्स्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध जो कि 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21-22 को दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल है, महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न रूपों में विवर्तनीय क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती है। इस प्रकार के ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं, इसी मुड़ को हम वलन कहते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आल्पस। तो आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, उसकी ऊंचाई लगभग
4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मूलदार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर है चीन में। टकला मकान एशिया के जिनजियांग युगर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर के पठार और तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। एक अन्य अक्षांशीय घास के मैदान में प्रेयरी उत्तरी अमेरिका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। याद रखेंगे किस तरह के हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है ये, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी नहीं है, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेलिंगटन आपको पता होगा न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद आपका सऊदी अरबिया की राजधानी है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर का एक कटक है, मिड ओशनिक रीज है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है, क्योंकि जब बारिश होती है तो भूमि से सॉल्ट निकल करके नदियों के सहारे समुद्र में जाकर के जमा होते हैं। अरब सागर की पानी का औसतन खारापन कितना है, मतलब औसतन सैलिनिटी कितनी है? तो 35 पीपीटी है ये। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घट करके 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, तो निकटतम आपका 35%। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो आपका मृत सागर की सैलिनिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है और यह लगभग 238% है। तुर्की के वान झील में 330% लवणता और ग्रेट साल्ट लेक जो कि यूएस में है उसकी सैलिनिटी है वो 220% पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित नदी और उन शहरों का मेल मिलाइए जिसमें से होकर के नदियां बह रही हैं। तो रोटरडम, आपको रोटरडम कन्वेंशन से याद आता होगा कि रोटरडम कन्वेंशन भी एक हुआ था। पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो रोटरडम जो है ये किस नदी इससे होकर के कौन सी नदी बहती है? तो आपका राइन नदी बहती है ये। पेरिस में कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता होगा सीन नदी बहती है। और बुडापेस्ट में कौन सी नदी बहती है? डेन्यूब नदी। और वाशिंगटन देखा जाए तो ऑटोमैन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोटरडम नाइल राइन नदी, पेरिस सी नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब और वाशिंगटन ऑटोमैन। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपको पता होगा बाब अल मंदेब ये जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। अब आपको सुमेलित करना है कुछ जलधाराएं दी गई हैं उनको। सबसे अत्यधिक गर्म कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा तो चेरापूंजी में होती है, आपको पता होगा। और अत्यधिक सूखा क्या है? तो सबसे अधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिक और सबसे अधिक गर्म हो जाएगा आपका सहारा और सबसे अधिक सूखा हो जाएगा क्या? चिली। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। 77 का ऑप्शन बी है, यानी कि ए का फोर आप मिला लेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो आपको पता होगा चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा कैपिलरी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्ले सॉइल में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। लिखित में से उलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सही है सोना खनन होता है वहां पे, कुलगाड़ी में सोना खनन होता है और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वर्तमान में पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में हुई थी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो चीन में हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 305 टन और यूएसए में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। स्टील जो होता है वो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो अगर 2019 का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत। तो दिए गए ऑप्शंस में भारत सही था, उसके बाद कनाडा और यूएसए। तो चीन, रूस के बाद भारत तीसरे नंबर पे है। तेल से कोस सबसे ज्यादा किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला।
तो जो ऑयल रिजर्व होता है सबसे ज्यादा वेनेजुएला में पाया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा यूएसए में होता है, अमेरिका में होता है प्रोडक्शन। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोक। तो बिटुमिनस होता है, कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक युग्म पदार्थ है, एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट और पीट, ये आपके चार तरीके के कोल होते हैं। तो उसमें जो बिटुमिनस होता है वो सामान्य किस्म का होता है, एंथ्रासाइट उत्तम कोटि का होता है और पीट को सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन गोंडवाना शैलों में पाई जाती है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस है, यानी सामान्य कोयला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा आपका बिटुमिनस पाया जाता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो आपका शक्ति कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लंदन। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, तो विकिरण के कारण से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको पता होगा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिए, सब लोग जानते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इज द, देखा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो भूमध्य रेखीय सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यान्ह में, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा। तो जो आप जानते हैं आप कैंसल आउट कर लीजिए, मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल वर्षा नहीं होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी जाड़े में वर्षा नहीं होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी में बारिश नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ मध्यान्ह वर्षा होता है, आपका ये सही है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है, न कि गर्मी के मौसम में, आपका शीतकाल में होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंपास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मध्य चिली, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय जलवायु CSA कोपेन के अनुसार और CSP पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र में जलवायु उष्ण होती है, CWB। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है, तो कांगो रिवर के बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। यह शिकारी जनजाति है, इस पिग्मी जनजाति निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिसे मोंगुलस कहते हैं। ये पेड़ों पर रहने वाले झोपड़ी जिसको मोंगुलस कहते हैं उसमें निवास करते हैं। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं, तो अफ्रीका के निवासी हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, आपको बताना है, तो एस्किमो जो है वो कनाडा के निवासी हैं। जो बर्फीले जगह होते हैं वहां पर एस्किमो पाए जाते हैं। एस्पेरांटो क्या है, तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, और इसकी जो खोज से विकास था LL जेमेनहॉफ ने किया है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो चीन है। चीन में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत आता है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चीन में। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी लाल शॉल होता है, जो तिब्बती एंटीलोप या चीरू के बालों से तैयार होता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है, तो ईरान में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, यहाँ किश्तवाड़ और पामपुर, किश्तवाड़ आपका जम्मू में पड़ता है और पामपुर कश्मीर में पड़ता है, प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र है। केसर को रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है, तो सबसे उत्तर है आपका बी, चीन। पत्थर कोयले का मतलब हार्ड कोल के भंडारण में चीन प्रथम, इनका द्वितीय और भारत तृतीय स्थान पर है। वर्ष 2020 के अंत में पत्थर कोयला यानी एंथ्रासाइट और बेटुमिनस के पर्याप्त भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, उसके बाद चीन और भारत का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन से देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरबिया करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादित किया जाता है, और दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे कमसा नामीबिया आते हैं। टीन कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, टीन ग्लेशियर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, या अल्प सिलिक आग्नेय शैलों में, या इन सबों में, तो जो ग्लेशियर निक्षेप होता है ग्लेशियर डिपोजिट, उसमें टीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर डिपोजिट्स में ये नीचे रिवर बेड्स में पाए जाते हैं, रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर डिपोजिट दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार शीर्ष 3 उत्पादक देश चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट। पीपीएससी के द्वारा ये आंसर दिया गया है, हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अमेजोन बेसिन, सदाबहार वन जो होते हैं आपका दक्षिण अमेरिका, कांगो बेसिन अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों, वर्षा के प्रमुख भूमध्य सागरीय वर्षा वन के क्षेत्र है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी का लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो आपका कनाडा हो जाएगा। ये मुलायम लकड़ी और लकड़ी से बनी यानी कि लुगदी का उत्पादक और निर्यातक देश कनाडा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों तो ये था हमारा बीपीएससी का वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पिछले साल पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं उनका एक डेडिकेटेड वीडियो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताओ, अपने सुझाव दो। और अब आगे हम साइंस एंड टेक की कोशिश जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।